झारखंड के जमताड़ा के मिहिजाम पुलिस ने पश्चिम बंगाल से आ रही एक कार से वाहन चेकिंग के दौरान 16 लाख रुपए बरामद किए हैं। बरामद रुपए को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस ने इसकी सूचना इनकम टैक्स और संबंधित विभाग को भी दे दी है। तो ये बड़ी जानकारी, जमताड़ा के मिहिजाम पुलिस ने कैश बरामद किए हैं और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संतोष, जमताड़ा के मिहिजाम पुलिस ने पश्चिम बंगाल से आ रही एक कार से वाहन चेकिंग के दौरान 16 लाख रुपए बरामद किए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, जो स्थिति है कि चुनाव आचार संहिता घोषणा के बाद किसी को 50,000 रुपया से ज्यादा लेकर चलना मना है, उस मामले में पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी और उस मामले में जामताड़ा की पुलिस ने लगभग 16 लाख रुपया बरामद किया है और उससे पूछताछ कर रही है पुलिस और उसके बाद उसकी सूचना इनकम टैक्स और चुनाव आयोग को दे दिया गया है और उस मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जी शिका, बिल्कुल। और देखिए, इनकम टैक्स को भी इसकी सूचना दे दी गई है, फिलहाल अभी आगे क्या कुछ खास कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो लड़का जो गिरफ्तार किया गया है जिस युवक को, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर यह कैश कहां से लाया जा रहा था, आखिर यह कैश का जो क्या चुनाव में लोकसभा चुनाव है उसमें उपयोग होगा, कई पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। उसके बाद जांच करने के बाद इनकम टैक्स के अधिकारी भी उससे पूछताछ करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज कर उसे रुपया को जब्त कर लिया गया है और उसकी सूचना चुनाव आयोग जो मुख्यालय रांची में है उससे भी सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।